जागृति, कितनी मेहनत की आपने इस मुकाम को हासिल करने के लिए? डेफिनेटली सर, हार्ड वर्क तो है, उसका कोई सब्स्टिट्यूट नहीं है। एग्जाम को पहले तो समझा, रिक्वायरमेंट्स क्या है, प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस किए, मैंने 8 से 10 घंटे डेली पढ़ाई की, लगभग जो मेजॉरिटी टाइम रहा। एग्जाम के पास में 10 से 12 से 14 प्रैक्टिस बहुत की, फीडबैक लिया, उसके करेक्टिव एक्शन लिए, हाइज एंड लोज आते रहे, बट आई नेवर गिव अप। सो नेवर गिविंग अप इज द आई थिंक द की। 2017 में आपने इंजीनियरिंग पूरी की, फिर 2 साल कहाँ जॉब की और क्यों जॉब छोड़ा फिर? सर 2017 में ग्रेजुएशन के बाद BHEL भोपाल में, भारत हेवी इलेक्ट्रिकल्स लिमिटेड, मैंने 2 साल नौकरी की, जुलाई 2019 तक। फिर जुलाई 2019 में छोड़ करके 1 साल पूरा तैयारी में लगाया, फिर अक्टूबर 2020 में मैंने प्रीलिम्स लिखा था, बिल्कुल। ठीक है, किस सेक्टर में काम करना चाहती हैं? मेरी तो रुचि है कि मैं कुछ रूरल डेवलपमेंट में करके रुकाऊँ, बाकी जो भी सेक्टर मुझे मिलेगा मैं अपना बेस्ट देने की कोशिश करूँगी। ठीक है, IAS और IPS ब्यूरोक्रेसी को लेकर क्या चाहती हैं, क्या बेटरमेंट चाहती हैं? वैसे तो सर एक मजबूत तंत्र है, कुछ कमियां तो हैं, मैं चाहूंगी कि और अकाउंटेबिलिटी बढ़ जाए, मतलब इतना हो जाए कि डायरेक्टली आकर के लोग आपको क्वेश्चन कर सके कि व्हाई आर यू नॉट वर्किंग दिस वे और दैट वे, सो मोर अकाउंटेबिलिटी। फॉरेन अफेयर्स को लेकर के क्या सोचते हैं? अभी प्रधानमंत्री मोदी अमेरिका में है, तो फॉरेन रिलेशंस को लेकर क्या आपका सोचना है? सर इंडिया का फॉरेन पॉलिसी इस समय काफी प्रोएक्टिव है, हम हर कंट्री से एंगेज कर रहे हैं और बहुत ही मल्टीपल डाइवर्स फील्ड में हमारा एंगेजमेंट है। सो डेफिनेटली इंडिया इमर्जिंग एज अ पावर, और मुझे तो लगता है कि मे बी 5-10 ईयर्स डाउन द लाइन हम भी एक ग्लोबल, इफ नॉट ग्लोबल एटलीस्ट रीजनल सुपर पावर की तरह तो सामने आएंगे। आप किस सेक्टर में जाना चाहती हैं? IAS IPS IFS? मेरी तो रुचि IAS में है, मैंने IAS ही भरा है। चलिए, बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you.